हेलो फ्रेंड्स, मैथिल एज ए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले, दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ जावा ईई। ओके, जावा ईई स्टैंड फॉर जावा इंटरप्राइज एडिशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट करें न्यू सीरीज। सो जावा के बेसिक और इंटरप्राइज जावा बोल सकते हैं इसको, इंटरप्राइज जावा जो सब्जेक्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी का बीएससी के अंदर, तो उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे। सो स्टार्ट करते कि क्या क्या इसके अंदर इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री वाला पार्ट हम आज हमारे सेशन में कवर करेंगे। सो चलो देखते कि क्या इसके अंदर है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। तो बेसिकली जावा क्या है, वही सिंपल कुछ टर्म्स जावा के रिगार्डिंगली हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्वियसली हमें सबको पता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन द सेंस ये क्या है, हमें सिक्योर रोबस्ट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इन द सेंस कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन द सेंस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट रन अक्रॉस नेटवर्क ऑन अ ग्रेट वराइटी ऑफ अ कंप्यूटर एंड डिवाइस। कि मल्टीपल वराइटीज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर या मल्टीपल नेटवर्क के ऊपर ये स्पेसिफिक जो जावा का प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हैं। दस हेल्प द सॉफ्टवेयर डेवलपर मीट अ चैलेंज, कि जितने भी नंबर्स ऑफ चैलेंज हमें होंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, सभी के सभी चैलेंज हम हमारे जावा के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट बाय द इमर्जिंग कंप्यूटर एनवायरनमेंट, जो कंप्यूटर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी नए नए चेंजेस हमें रिक्वायर्ड हो गया, एनवायरनमेंट को हमें क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने, सो वाया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सेकेंड उन्होंने बोला है, दैट इज एन जावा फिट परफेक्ट ऑन अ वेब। ओके, ऑब्वियसली द जावा प्रोग्राम कैन बी क्विकली ट्रांसफर ओवर द वेब, कि जो भी हम जावा के एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले या वेबसाइट जनरेट करने वाले, सो जावा क्या कर रहा है कि क्विक रिस्पॉन्स हमें देता है या क्विकली अडेप्ट करता है जो भी क्वेरीज होगी, जो भी कमांड्स होंगे। सो विथ जावा ग्रेट लुकिंग एंड हाई लेवल सिक्योरिटी, के जो भी इंटरफेस हमें इसके अंदर मिलने वाला है, ऑब्वियसली अच्छा इंटरफेस हमें इसके अंदर मिलने वाला है। एंड जो सिक्योरिटी होगी, ऑब्वियसली कि जो भी हम डिफरेंट कंपोनेंट यूज करने वाले हैं इसके अंदर, हर एक कंपोनेंट को हम वन बाय वन वाया कोड इंसर्ट करने वाले, तो ऑब्वियसली वो जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होने, क्योंकि हम देख सकते हैं नॉर्मल जो बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सो जो प्री डिफाइंड कोड होता है तो उसको इजीली क्रैक किया जा सकता है। बट जावा के अंदर हम क्या कहते हैं, हर एक लाइन को खुद यूजर टाइप करके लिखता है, सो इट इज़ एन सिक्योर मैनर टू क्रिएट एन वेबसाइट। देन नेक्स्ट, द जावा प्रोग्राम कैन कंपाइल टू अ बाइट कोड एंड ट्रांसपोर्टिंग बाइट कोड ओवर द नेटवर्क इन अ स्मॉल चंक इज इजी एंड चीप। ओके, जैसे कि जावा के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिकली प्रोग्राम लिखते हैं, देन उसको कन्वर्ट इनटू बाइट कोड, बाइट कोड इन द सेंस डॉट क्लास वाली फाइल। ओके, बाइट कोड इन द सेंस यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं डॉट क्लास वाली फाइल, सो इजीली हम उसको क्या करेंगे, कोई भी डिवाइसेस के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। सो जो बाइट कोड प्रोवाइडर नेटवर्क मोबाइलिटी ऑन जावा कोड, कि इजीली जो भी यूज़र है जिसको वो प्रोग्राम रन करना है वो क्या करेगा, बाइट कोड को लेगा और सिंपली उसके एप्लीकेशन को वो फुलफिल कर सकता है। दिस एनेबल क्रिएटिंग अ पावरफुल एप्लीकेशन विच इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर एंड रोबस्ट। ओके, क्या क्या है और एक एडवांटेज हमें इसके अंदर देखने मिले, स्मॉल इन साइज में एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एंड सिक्योर एंड रोबस्ट वे में एप्लीकेशन हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर है, दैट इज एन जावा प्रोग्राम कैन बी रिटर्न एनीवेयर एंड कैन बी रन एनीवेयर। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, कोई भी लैंग्वेज कि जावा ने हमें मल्टीपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जिसके अकॉर्डिंगली हम नंबर्स ऑफ
प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। सो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे जावा प्लेटफॉर्म को रन कर सकते हैं एंड हमारे अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज देन जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ अ पोर्टेबल। ओके, अगेन इज द सेम कंसेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एज अ पोर्टेबल हमने कंसिडर किया है। फर्स्ट हमने कंसिडर किया था जावा इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एज अ पोर्टेबल। तो पोर्टेबल इन द सेंस क्या होगा, सेम वही इट इज एन इंटरप्रिटेड रैदर दैन द कंपाइल लैंग्वेज, लाइक अनलाइक अदर लैंग्वेज सच एज सी सी प्लस प्लस, वेन अ जावा इज कंपाइल्ड इट इज अ कंपाइल्ड इन टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड एंड नॉट इन टू अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड मशीन कोड। कि मशीन कोड के अंदर इसको हम कन्वर्ट नहीं करते, बाइट कोड इनके फॉर्म में करते। सो बाइट कोड हम इजिली कोई भी मशीन के ऊपर इजीली रन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है, हमारा नेक्स्ट इसके बाद जावा वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं, या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हमें किस तरह से इसको सपोर्ट करने वाला है, ये भी हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखने वाले। देन नेक्स्ट इज द जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ बिल्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एन एप्लीकेशन एंड और एपलेट एंड हेल्प टू हैंडल अ ग्राफिक्स एंड यूजर इंटरफेस। कि जावा के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, जैसे कि कौन से फाइव टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिंपल आपको उप्स कंसेप्ट के फाइव ऑब्जेक्ट पता होंगे, इफ किसी को पता होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सिंपल है तो आप कमिंग सेक्शन में बता सकते हैं। सो आपको भी पता चल जाएगा कि हमें कितना इसके बेसिक जावा के बारे में हमें नॉलेज है। देन जो उप्स कंसेप्ट थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एप्लेट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट आर हेल्प टू क्रिएट एन प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे दैट इज द जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी रिलायबिलिटी टू अ प्रोग्राम। के जावा अचीव दिस बाय सिंप्लीफाई नॉट अलाउिंग एक्सेस रिसोर्स सच एज अ डेटा फाइल एंड मेमरी आउटसाइड द इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड टू द प्रोग्राम। के प्रोग्राम के अंदर जितनी मेमरी है उतनी हम यहाँ पे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, अदर देन कोई भी फाइल हमें इफ रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए हमें स्पेशल हमारे यूजर की या सिस्टम की परमिशन रिक्वायर है, अदरवाइज हम डायरेक्टली कोई भी फाइल इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। सो इट इज प्रोवाइड अस सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट जावा प्रिवेंट एंड एक्सेप्शन। कई जस्ट लाइक कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इट डज दिस बाय इम्पोजिंग अ एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय यूजिंग एन एक्सेप्शन हैंडलिंग हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ट्राई एंड कैच मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आपके लिए कि ट्राई एंड कैच जो हम यूज करने वाले हैं मैकेनिज्म, ओके, प्रैक्टिकल के अंदर वो आपको कवर हो जाएगा वैसे भी, फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ट्राई एंड कैच हम जब भी रन करते हैं तो कितने मल्टीपल टाइम हम ट्राई और कैच लिख सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, हम वो प्रैक्टिकल केस में भी इसको इसका आंसर प्रॉपर वे में देखेंगे। ओके, देन जावा एक्सेप्शन क्या करता है, दिस रिड्यूस द टाइम स्पेंड बाय प्रोग्रामर इन आइडेंटिफाई और फिक्सिंग अ बग। ओके, हमें ट्राई और कैच से क्या बेनिफिट मिलता है कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या एरर्स है, कौन सा बग्स है, सो इजीली हम उसको कैच कर सकते हैं एंड रिजॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन जावा कॉपी वेल विथ TCP/IP प्रोटोकॉल्स। अभी इसका मीनिंग क्या है, इट हैज एक्सटेंशियल लाइब्रेरी ऑफ राउटिंग फॉर कॉपिंग विथ TCP/IP इंटरनेट। कि हम इसके अंदर कौन कौन से TCP/IP के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, फर्स्ट दैट इज एन HTTP एंड सेकेंड इज एन FTP। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज एन FTP फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल। कि दो टाइप्स के प्रोटोकॉल या मल्टीपल भी प्रोटोकॉल इसके अंदर हम
यूज करने वाले। सो इसका टास्क क्या है, दैट जावा एप्लीकेशन कैन ओपन एंड एक्सेस ऑब्जेक्ट अक्रॉस एन इंटरनेट यूजिंग एन URL विथ द सेम इन केस ऑफ वेन एक्सिंग अ लोकल फाइल। कि इफ हमें इंटरनेट पे डेटा इंटरनेट एक्सेस करना है तो हम ऑब्वियसली HTTP यूज करते हैं, एंड इफ आपको कोई लोकल फाइल एक्सेस करनी होगी सो उस समय आप FTP यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल। के इधर तक कंसेप्ट समझ में आया, इंट्रोडक्शन टू जावा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या बताती है हमारी जावा की। कि जैसे क्या है, सभी को पता होगा कि जावा कब स्टार्ट हुआ, इन्वेंट हुआ। एनी आइडिया जावा कब इन्वेंट हुआ, अदरवाइज हम स्टार्ट कर देते। ओके, आप कितने एक्टिव है वो उससे पता चल जाएगा आपके जो कमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, और अदरवाइज हम खुद इंटरैक्टिव सेशन को इस सेशन को इंटरैक्टिव भी कर सकते हैं। तो देखते जावा कब इन्वेंट हुआ, द 1991 के 1991 इन्वेंट बाय द जेम्स गोसलील एट सन माइकोसिस। कि जावा कब इन्वेंट हुआ, इन 1991 किसने इन्वेंट किया, जेम्स गोसलील एट कौन सी कंपनी के अंदर, इन द सेंस कौन से कंपनी उसको हम बोल सकते हैं, सन माइक्रोसिस्टम के अंदर इन्वेंट किया। ओके, अभी इन्वेंट करने के बाद फर्स्ट उसको क्या नाम उन्होंने दिया, तो नाम दिया दैट इज ओक, OAK के ओक करके उन्होंने उनको नाम दिया एज ए कोई जो लैंग्वेज थी। ओके, अब हर एक इन्वेंशन के पीछे, इन्वेंट के पीछे कुछ तो रीज़न होता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न था, कि रीज़न सिंपल था, बिकॉज अ सन वॉज हैविंग अ डिफिकल्टी यूजिंग अ C++ एज अ पार्ट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। कि C++ को यूज करने के लिए, इन द सेंस लार्ज कोई बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर हम C++ जब यूज करते सो डिफिकल्टी हमें मतलब जो सन थे, सन माइक्रोसिस सिस्टम था तो उनको दिक्कत आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए खुद ही एक नया लैंग्वेज बनाया, दैट इज अन जावा। ओके, पता चला कि जावा किस तरह से इन्वेंट हुआ, क्या रीज़न था। नेक्स्ट देखते हम, इन 1995 सन माइक्रोसिस्टम रिलीज अ जावा 1.0। इन्वेंट हुआ, चलने लगा, अब उसका कुछ तो और एक नया वर्जन, की जो भी डिफिकल्टी है कुछ एडवांस फीचर्स उसके अंदर हमें इंसर्ट करने होंगे। सो उस पर्पज के लिए हमने क्या किया, इन्वेंट किया दैट इज एन जावा 1.0। ओके, अभी इसके अंदर क्या क्या एडवांस है, इज प्रमोट विद ए स्लोगन, कि क्या स्लोगन था इसके लिए, राइट वंस रन एनीवेयर। जो फीचर हमने जावा वर्चुअल मशीन के अंदर हमें दिखाई देता है कि इट कैन बी डेवलप एंड रन ऑन एनी डिवाइस इक्विपमेंट विद एन जावा वर्चुअल मशीन। ओके, ए सिमिलर हम देख सकते हैं जो वर्चुअल मशीन का जो कंसेप्ट है कि वहाँ से जावा ने वो लिया है। जैसे कि वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट सभी को पता होगा, कि वर्चुअल मशीन जैसे कि हम कोई भी सिस्टम होगा हमारे पास उसके अंदर इंस्टॉल करते क्रिएट करते, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्क स्टेशन, कि कोई भी डिवाइसेस हो सकते जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। देन इफ हमारे वन टाइम वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, देन हम क्या करते हैं कि सेम उसका जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होगा उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंड डायरेक्टली दूसरे मशीन के अंदर इफ वो सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होगा तो उस मशीन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया इन अ जावा वर्चुअल मशीन, एंड इफ ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक फाइल को कंपाइल करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी उसको डायरेक्टली कोई दूसरे सिस्टम के ऊपर हम रन कर सकते हैं। सो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा टाइम होगा कि हर एक सिस्टम पे जाके उस एप्लीकेशन को फिर से क्रिएट करना, ये यहाँ पे टाइम हमारा सेव होने लगा। नेक्स्ट इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड जावा ने क्या किया, अगेन पॉपुलेट हो गया। पॉपुलेट होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक नया और एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, दैट इज एन सर्वलेट। ओके, सन डिफाइन एंड सर्वलेट। ओके, सर्वलेट क्या टास्क परफॉर्म करता है, सर्वलेट ड्यू टू विच द जावा कूड बी यूज टू जनरेट HTML वेब पेज विथ अ डायनामिक कंस्टेंट। कि जो भी HTML पेज था हमारे पास
विद द डायनेमिक कंस्ट्रेंट हमने क्या करने लगे यहाँ पे यूज करने लगे के नॉर्मल जो हम वेब पेज यूज़ करते थे सो उसके अंदर हम क्या करते थे डायनेमिक नहीं स्टैटिक पेज के लिए हम अप्लाई करते थे स्टैटिक पेज यूज़ करते थे बट इन 1997 वाया यूजिंग एंड सर्वलेट हमने जो डायनेमिक कंटेंट इसके अंदर क्या किया बनाना चालू किया. दिस वॉज अ फॉलो बाय द डिफाइनिंग द इंटरप्राइज जावा बीन ड्यू टू विच अ बिजनेस लॉजिक कुड बी इफेक्टिवली डेवलप इन अ जावा. ये किसके वजह से हुआ हमारा इंटरप्राइज जावा बीन. ओके अभी इंटरप्राइज जावा बीन क्या है नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्योंकि हमारा फोर्थ यूनिट पूरा इंटरप्राइज जावा यूनिट के जावा बीन्स के ऊपर है. सो वो भी कंसेप्ट हम हमारे सिलेबस के अंदर कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट दैट इज देन सन बायो टुगेदर अलाउ अ मिडल ऑल ओवर मिडल टायर सोल्यूशन. ओके अब ये मिडल टायर सोल्यूशन क्या है कि जैसे कि दो टायर थे यहाँ पे हमने तीन टायर कर दिए जैसे कि मिडल टायर इसके अंदर इंक्रीज कर दिया. तो फर्स्ट यूजर डेटाबेस एंड सर्वर तीन टायर थे हमारे पास इन द सेंस यूजर एंड सर्वर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा था. सो यहाँ पे हमने एक मिडल टायर कर दिया कि जिसके वजह से क्या है जो सर्वर का लोड पूरा मिडल टायर के ऊपर आ जाएगा एंड जो एक्चुअल में थर्ड टायर है वो हमारा क्या करेगा डेटाबेस का काम करेगा जहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर होगा कि कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगा. सो वहाँ पे कोई लोड नहीं होगा. ओके तो वो टायर्स का क्या कंसेप्ट है वो भी हम हमारे सेकेंड यूनिट में देखेंगे. ओके या थर्ड यूनिट में देखेंगे. देन नेक्स्ट इन 2006 अभी सभी लोग अवेयर थे 2006 के अंदर क्या हुआ सन रिलीज मच ऑफ जावा इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कि जावा के मल्टीपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे क्या करना डिफाइन करना चालू कर दिया. सो जावा के जितने भी नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गए हमारे मार्केट के अंदर. ओके मार्केटिंग पर्पज सन माइक्रोसिस रीनेम्स J1 एज अ J2 वर्जन एंड जावा EE जावा ME और जावा SE के तीन टाइप्स ऑफ इंटरप्राइज एप्लीकेशन है वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन द सेंस फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है. नेक्स्ट इसमें समझ में आएंगे क्या है उसके फुल फॉर्म. इफ आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जावा EE कि जावा EE का तो हमने बताया जावा ME और जावा SE कि क्या है किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अदरवाइज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे. देन नेक्स्ट इज एन सन वॉज एक्वायर बाय द ओरेकल कॉरपोरेशन क्या हुआ 2007. ओके सो 2007 में क्या हुआ कि जावा ने सब काम फिनिश कर दिया एंड द डेट वॉज जनवरी 2010. ओके यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि जनवरी 2010 के अंदर जो सन माइक्रोसिस सिस्टम था उसको ओरेकल ने टेक ओवर कर दिया. ओके टेक ओवर करने के बाद वो क्या हो गया ओरेकल हो गया. सो ओरेकल के अंदर ही सभी जो चीज़ें वो चलने लगी एंड उतना हिस्ट्री हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. ओके सो 91, 95, 97, 99, 2006, 2007 and 2010 ओके ये नंबर्स ऑफ हिस्ट्री आपको याद रखने के सिंपल फ्लो याद रखो कि किस तरह से जनरेट हुआ किस तरह से उसके अंदर इन्वेंशन आ गई क्या क्या नई नई चीज़ें आने लगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इजीली याद रहने वाले. ओके उसके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. इफ़ कोई डाउट होगा कोई सजेशन होगा जैसे हमारा जो लेक्चर है फास्ट स्लो कोई भी पैटर्न नहीं होता तो आप हमें सजेशन दे सकते आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर. इफ़ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एंड सिमिलर जावा इंटरप्राइज जावा के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग.